चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद इसरो की चर्चा ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसरो में साइंटिस्ट कैसे बनते हैं? इसरो की सफलता और डेवलपमेंट के साथ साथ साइंटिस्ट के रूप में करियर एक बहुत अच्छा स्कोप है। इसरो में साइंटिस्ट बनने एक सोसाइटी में रिस्पेक्टेड पोजीशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपको बहुत हार्डवर्क करने की नीड होगी। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना होगा और कैसे हम लोग साइंटिस्ट बनेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसरो के फुल फॉर्म की। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, या इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसका काम है इंडिया की स्पेस साइंस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना। वैसे तो इसरो ज्वाइन करने के कई तरीके, लेकिन इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आज हम लोग बताएंगे 3 तरीके जिनसे आप इसरो में एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज IISTE, एंड सेकंड इसरो डायरेक्ट इंटरव्यू, थर्ड इसरो एग्जाम्स। चलिए बात करते हैं इन तीनों एंट्रीज के बारे में डिटेल में। फर्स्ट इज IISTE, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह संस्थान स्पेस से जुड़ी हुई है। इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपको IISTE में एडमिशन लेना होगा। अगर आप इस इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हैं तो डायरेक्ट आपको इसरो में ले लिया जाता है। चलिए बात करते हैं IISTE में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सबसे पहले आपको 12 साइंस प्लस मैथ्स से करना होगा, फिर उसके बाद आपको JEE एग्जाम देना होगा, उस एग्जाम को क्लियर करना होगा। JEE के एग्जाम की रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलेगा IISTE में, यदि IISTE में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकंड एंट्री की, जो कि इसरो में डायरेक्ट इंटरव्यू। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे IIT NIT से अगर की है तो आप इसरो में साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए इसरो द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसे आप क्लियर करके आप इसरो में एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। IISTE एडमिशन या इसरो डायरेक्ट इंटरव्यू के अलावा इसरो हर साल एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है, जिसे ICRB कहते हैं। ICRB का मतलब है इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। यह एग्जाम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर तीनों कैटेगरी के लिए कराया जाता है। इसके लिए आपको 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक 65% से ज्यादा और 6.84 CGPA से ज्यादा का स्कोर मेंटेन करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये थे 3 तरीके जिनके द्वारा आप इसरो में एज अ साइंटिस्ट करियर बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।